चलो लगभग सारी तैयारियां हो गई हैं, अब जल्दी से इस बेड को ठीक कर लेती हूँ। और मेरा रूम तो साफ है ही, और मैंने सारे गेम्स भी प्रिपेयर कर लिए। अब बस मेरे फ्रेंड्स आ जाए, उसके बाद मैं स्लीप ओवर का मजा उठाऊंगी। यानी मैं कितने दिनों के बाद में अपने फ्रेंड्स के साथ में स्लीप ओवर पार्टी करूंगी, कितना मजा आएगा। मैंने हर जगह देख लिया, मुझे कहीं नहीं मिल रहा। दीदी के रूम में ही होगा शायद। दीदी, अरे दीदी, अभी आप ये क्या कर रही हो? मेरी हेल्प करो ना। हो गया, तुझे क्या हेल्प चाहिए? दीदी, आपने मेरा वो पिंक वाली डॉल देखा है? वो ना मुझे मिल नहीं रहा, मैं बहुत देर से ढूंढ रही हूँ। नहीं यार, मुझे नहीं पता तेरा पिंक वाला डॉल कहाँ है। और अभी तुम मुझे परेशान मत करो, और मेरा रूम भी गंदा मत करो। आज के हमारे घर में पार्टी है, जो आप घर को साफ कर रही हो, इतना चमका दिया है अपने रूम को, हमेशा तो इतना गंदा पड़ा रहता है। आज मेरी स्कूल की न्यू फ्रेंड्स आने वाली है आज मेरे साथ में स्लीप ओवर पार्टी करने के लिए, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आपकी दोस्त स्लीप ओवर पार्टी के लिए आ रही, तब तो मुझे भी तैयार हो जाना चाहिए। ये चलो आ जाओ गर्ल्स, मेरा रूम ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, पर ज़्यादा छोटा भी नहीं है। वाव यार, तेरा रूम तो कितना बड़ा है सच्ची में, और कितना ज़्यादा अच्छा है ना, तुमने एकदम मॉडर्न तरीके से सजाया अपने घर को। हाँ सही कह रही है, तुमने अपने रूम को कितना ज़्यादा अच्छे से सजाया, एकदम मॉडर्न तरीके से सजाया है। नहीं तो हमारे रूम तो अभी तक एकदम पिंक पिंक ही भरे हुए, एकदम चाइल्डिश टाइप का। एक्चुअली मैंने, मुझे पिंक टाइप के चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे सारे कलर ही पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादातर की पिंक वाले रूम्स मुझे पसंद नहीं है। देखो मैंने यहाँ पे कुछ गेम्स बनाए हुए जिनका मैंने नेम लिखा है, जैसे कि वर्ड्स इन द बॉक्स चैलेंज, BTS क्विज, पिलो फाइट एंड हाइड एंड सीक, और भी बहुत सारे गेम है। वाह सोफिया, तुमने तो सारी प्लानिंग कर ली, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ब्लैक पिंक क्विज खेलना भूल गई। क्या मतलब ब्लैक पिंक से है? हमने ब्लैक पिंक का कोई भी गेम नहीं रखा है इसके अंदर, पर मैं तो ब्लैक पिंक की फ़ैन हूँ ना, तो मैं चाहती हूँ कि ना आप ना ब्लैक पिंक का भी गेम खेलो। पर यहाँ पे हम सभी लोग BTS आर्मी है, तो हम ब्लैक पिंक का गेम क्यों खेले भला? क्योंकि मैं चाहती हूँ ना, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, तो आप प्लीज़ खेल लो ना। ओ वाह सोफिया, तुम्हारी बहन कितनी ज़्यादा क्यूट है। दीदी आपको पता है मैं ना ब्लैक पिंक की फ़ैन हूँ, आप किसकी फ़ैन हो? ब्लैक पिंक, BTS या फिर ट्वाइस या फिर और किसी ग्रुप की फ़ैन हो? वैसे मुझे अच्छे तो सारे लगते हैं, लेकिन मैं BTS आर्मी हूँ। लेकिन इतनी छोटी सी क्यूट ब्लिंक मुझे कह रही है ब्लैक पिंक का क्विज खेलने के लिए, तो क्यों ना हम लोग खेलें, क्यों है ना सोफिया? हाँ ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्ज़ी। तो यहीं पर रुको, मैं आती हूँ अभी। आपका कौन है BTS ब्लैक पिंक में से? आई थिंक जैनी। ओह जैनी बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, लेकिन मुझे मेरी BTS लीसा है, लीसा भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। हाँ सारी मेम्बर्स ही अच्छी है। गाइज ये देखो मैं ये बॉक्स ले आई हूँ, हम सब पहले वर्ड्स इन द बॉक्स चैलेंज करेंगे, फिर उसके बाद बाकी कोई गेम खेलेंगे। ओके सोफिया चलो गेस करो कि उसके अंदर क्या है। कम ऑन दीदी, यू कैन डू इट, दीदी आप कर सकती हो। जिसके अंदर अजीब वगरीब चीज़ तो नहीं है ना, ये क्या है, ये अजीब सा दिख रहा है, महसूस हो रहा है। दीदी को दिख नहीं सकता क्योंकि आपकी तो आगे है वो। इसका शेप इतना अजीब वगरीब क्यों है? दीदी कितना इजी है, आप गैस नहीं कर सकते, इतनी इजी सी चीज़ आप गैस नहीं कर सकते। छी थी, कितनी बुरी बात है। ये आई थिंक ये कोई शूज तो नहीं है ना? दीदी को अभी पता चल रहा है कि ये शूज है, कितनी बुरी बात है। ये कितना ज़्यादा अजीबोगरीब गेम है, इसमें पता ही नहीं चलता कि अंदर रखा क्या है, इतने सारे चीज़ें एक ही शेप की होती है। नाउ इट्स माय टर्न। हाँ ये क्या है, इसके अंदर इतनी अजीबोगरीब सी चीज़, क्या ये कोई प्लेट है या फिर कोई कॉइन है, कोई बड़ा सा कॉइन? दीदी ये कोई कॉइन नहीं है और ना ही कोई प्लेट है, ये तो कुछ आ रही है। इतना गोल सा है और ये अजीबोगरीब सा है एकदम, पता नहीं क्या है ये। बहुत ही ज़्यादा ईजी है, गैस करके तो बताओ कम से कम। ये मेटल का है और आई थिंक ये कुछ अजीब सा है, क्या ये कोई कॉइन है, बड़ा सा कॉइन? कोई कॉइन नहीं है, ये तो क्लॉक है। ये गेम खेल के तो सच में मज़ा ही आ गया आज। नेक्स्ट गेम का टॉपिक क्या है जल्दी बताओ, मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ खेलने के लिए, मतलब मुझे तो यकीन नहीं था मैं क्या क्या खेलूँ क्या क्या नहीं खेलूँ। यार सही कह रही है, मुझे भी पता नहीं चल रहा क्या खेलूँ क्या नहीं। पहले आपको पहले पिलो फाइट खेलना चाहिए। मेरे ऊपर पिलो फेंक के अच्छा नहीं किया, अब देखो मेरा कमाल। Let's sing a song full of pain. Why don't you sing along my friend, for it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this.
थकी गई, मैं तो थक गई बहुत ही ज्यादा, लेकिन सच में मजा आया बहुत ही। थक तो मैं भी गई हूँ, आई भगवान अब नेक्स्ट का गेम कैसे खेलेंगे, इतनी ज्यादा मैं थक गई। काम करते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर उसके बाद में खेलेंगे। तुम लोग आराम करो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। ये पिज्जा तो मेरा फेवरेट है, दुनिया की सारी खुशियां इतने सारे खाने को देख के मिलती है। भाई सबसे पहले बर्गर खाऊंगी, उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। ओह गॉड, इतना सारा खाना खा के तो मेरा पेट ही भर गया। हाँ सही कह रही यार, इतना सारा खाना खा लिया मैंने तो मेरा पेट भर गया, एकदम फटने वाला है मेरा पेट तो। अरे क्या हुआ, तुम्हें नींद आ रही है क्या? नहीं नहीं मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे तो अभी आगे के गेम्स भी खेलने हैं। गाइस मेरे पास तुम लोगों के लिए एक और गेम बचा हुआ है, ये लास्ट वाला गेम है, फिर उसके बाद में हम लोग सोएंगे। ठीक है सोफिया, लेकिन टाइम क्या हो रहा है वैसे? एक मिनट, हाँ देखती हूँ मैं, अभी 2 बज गए हैं। गेम के रूल्स कुछ ऐसे हैं कि उस चिट में कुछ डेयर्स हैं और वो डेयर्स हमें कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, अच्छा बताओ फर्स्ट कौन जा रहा है लेने चिट? मैं जाऊंगी क्योंकि मैं किसी से नहीं डरती, ना डेयर से ना भूत। भूत हाँ, भूत से थोड़ा बहुत डर लगता है लेकिन बाकी चीज़ों से नहीं लगता है। ये मुझे मिल गया मेरा ब्लू चिट, आप देखते हैं इसके अंदर क्या है। डेयर ये क्या है? एक गार्लिक, गार्लिक कौन खाता है? मैं नहीं खा रही। ऐसे कैसे नहीं खाओगी, गेम खेलने के लिए तो इतनी ज़्यादा हमारे साथ में वो हो रही थी, और अभी तुम्हें डेयर मिला तो तुम डेयर कंप्लीट नहीं करोगी? एक्चुअली मैं दीदी, मुझे ना बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है, देखो अभी मैं जाग नहीं सकती। मैं ना अभी जाग नहीं सकती, बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने, मैं कल मिलती हूँ आपसे। डेयर तो कंप्लीट करते जाओ, ये क्या था? खैर उसको छोड़ो, हम अपना गेम कंटिन्यू करते। बेचारी काफ़ी देर से जागी हुई थी, अब उसे नींद आ रही होगी बेचारी को, इतनी देर से नींद नहीं आई थी, और जब उसको गार्लिक खाने का टाइम मिला तब वो ऐसे भाग गई जैसे कि उसको कितनी नींद आ रही है। खैर उसको छोड़ो, चलो हम अपने गेम कंटिन्यू करते हैं। अब मेरी टर्न है, मैं कौन सा लूँ? क्या लूँगी, देखते हैं इसके अंदर क्या है अजीबो गरीब सी चीज़ें। ये क्या लिखा हुआ है, स्टैंड ऑन योर हेड? ये क्या है? अब ये कि तुम्हें अपने सिर के बल खड़ा होना पड़ेगा, इतना अजीबो गरीब सा वो किसने लिखा है, और ऊपर से ये राइटिंग कितनी ज़्यादा गंदी है। राइटिंग मेरी है, मेरी राइटिंग की बुराई मत करो, समझी ना, मैंने इतने मेहनत से इतने चिट बनाया, ऊपर से तुम मेरी राइटिंग को बुरा कह रही हो। माफ़ करना सोफिया, लेकिन सच में बहुत ही ज़्यादा गंदी है, तो चलो मैं अपना डेयर कंप्लीट करती हूँ। नो 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 नो। हाय मैं तो गिरी गई, था अजीबो गरीब डेयर कौन लिखता है? काश गॉड कुछ ढंग का मिले, कुछ ढंग का मिले, कुछ अच्छा मिले। माता भगवान को याद नहीं कर रही है, आई होप कि इसको कुछ गंदा डेयर मिले। मैं देखती हूँ, मैं नहीं बता रही किसी को। क्या नहीं बता रही किसी को? जो इसके अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? टेल योर सीक्रेट क्रश नेम। वाव ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजा ही आ गया। अब चल बता, बता कौन है, बता बता। भी नहीं है। हाँ मैं तो बता भी दे, जैक है, जैक। कोई सीक्रेट क्रश नहीं है, ये तो सभी को पता है कि क्लास की सभी लड़कियों को जैक पसंद है। क्लास की क्या, पूरे स्कूल की सभी लड़कियों को जैक पसंद है। सीक्रेट बताना, जैक को सारी क्लास की और स्कूल की लड़कियां पसंद करती है। तू नहीं करती क्या? मैं नहीं करती, मैं तो देखा भी नहीं है जैक कौन है। अभी तू नई है ना, इसीलिए तूने नहीं देखा है। चल कल मिलवाऊंगी मैं तुझे। इसलिए जैसे कि तू तो हमेशा जैक से बात करती है, वो किसी से बात नहीं करता, लेकिन जो भी हो मैं तुम्हें उससे मिलवा तो सकती हूँ ना, दूर से दिखा दूंगी। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो और जल्दी तुम बताओ। कैसे बताओ इन लोगों को? अच्छा ठीक है, रॉबिन। यकीन नहीं होता रॉबिन है, सच में यकीन नहीं होता कि रॉबिन को पसंद करती है तू। और ही करना बंद करो और चलो जल्दी से सो जाओ, मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, कल बात करेंगे बाकी की। सही कह रही है, कल हमें स्कूल भी जाना है, चल सो जाते हैं। अगर
सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो? आई होप कि आप सभी को पसंद आई हो। पसंद है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आई एम सो सॉरी, इस ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट आया है, सो इसके लिए आई एम सो सो सॉरी। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी और वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।